नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सिंह आपका स्वागत करता हूं एसएससी मेकर के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊंगा रीजनिंग के 5 अति महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, जो सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। दोस्तों, आप कोई सा भी गवर्नमेंट एग्जाम देंगे तो आपके पेपर में ये सब प्रश्न हमेशा देखने को मिलेंगे, जो दोस्तों परीक्षाओं में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, सेट पैटर्न के होते हैं। और जिन प्रश्नों को दोस्तों आपको सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम लगता है, उन प्रश्नों को इस वीडियो में शामिल किया हूं। और दोस्तों, इन सभी प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए इस वीडियो में आपको बहुत ही आसान ट्रिक बताऊंगा, जिसकी सहायता से दोस्तों आप इन सभी प्रश्नों को बिना पेन उठाए सॉल्व करेंगे मात्र कुछ ही सेकंड में। तो आइए दोस्तों देखते हैं रीजनिंग के 5 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिएगा दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और इस टाइप के प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, और यह प्रश्न भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। तो देखिए, प्रश्न है, निम्न संख्या श्रृंखला में अगली संख्या होगी। प्रश्न क्या कह रहा है, निम्न संख्या श्रृंखला में अगली संख्या होगी, यानी अगली संख्या क्या होगी। यहां पे प्रश्नवाचक चिन्ह है और यहीं पे बताना होगा आपको कि कौन सी संख्या होगी। तो इसके लिए दोस्तों क्या करेंगे, श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न है, तो श्रृंखला की संख्याओं को आप ध्यान से देखेंगे, श्रृंखला आगे कैसे चल रही है। कहने का मतलब यहां पे क्या है दोस्तों, 22-25 से उसके बाद 22-89-23-61, उसके बाद क्या है दोस्तों, प्रश्नवाचक चिन्ह है, और इसी प्रश्नवाचक चिन्ह पे आपको बताना है। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, आप डायरेक्ट इसको आंसर नहीं करने लगेंगे, 22-25 से 22-89 हुआ, कितना बड़ा कितना घटा, ये सब नहीं। आप थोड़ा सा संख्याओं को दोस्तों ध्यान से देखेंगे। ध्यान से देखने के कहने का मतलब है दोस्तों, अगर जो मैं यहां पे बोलूं, देखेंगे सब में क्या है दोस्तों, दो कॉमन है। ठीक है, देखिए दो पहले में भी कॉमन है, दूसरे में भी कॉमन है, तीसरे में भी कॉमन है। उसके बाद क्या है दोस्तों, यहां पे देखिएगा 225 है, 289 है, 361 है। अब आपको क्लियर हो रहा होगा ये क्या हो रहा है। ठीक है, कहने का मतलब दो यहां पे भी है, आगे वाले में भी बढ़ गया, फिर दो बढ़ गया, फिर आगे भी क्या होगा दोस्तों, दो होगा। ये 225 दोस्तों क्या है, ये 225 15 का स्क्वायर है। ये 289 दोस्तों क्या है, ये 17 का स्क्वायर है। ये 361 दोस्तों क्या है, दो देखिए दो जो है वो कॉमन है। ये 361 दोस्तों क्या है, तो ये 19 का स्क्वायर है। देखिए अब आगे क्या होगा, सब में दो कॉमन है तो आगे भी हम दो कॉमन ले लेंगे। ठीक है, ये 15 का स्क्वायर फिर क्या हुआ दोस्तों, दो बढ़ गया, 17 का स्क्वायर फिर दो बढ़ गया, 19 का स्क्वायर फिर दोस्तों आगे क्या होगा, यहाँ पे 21 का स्क्वायर होगा। और 21 का स्क्वायर दोस्तों क्या होता है, 441 होता है। क्या होता है दोस्तों, 441। तो यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह पे भरी जाने वाली संख्या, यानी आने वाली संख्या क्या होगी दोस्तों, 2441, यानी 2441 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के प्रश्न आपके पेपर में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। दोस्तों इसमें दो कॉमन है, अगर प्रश्न में तीन कॉमन रहे, चार कॉमन रहे, कुछ भी कॉमन रहे, तो आप क्या करेंगे, संख्याओं को जब गौर से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, तो आपको क्लियर होने लगेगी। तो इस टाइप के दोस्तों प्रश्न आए तो आप ऐसे ही सॉल्व कीजिएगा, ये सेट पैटर्न का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन देखिए वेन डायग्राम से है, और ये भी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। और इस टाइप के प्रश्न आए तो कैसे सोचना है, कैसे सॉल्व करना है, मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए प्रश्न कह रहा है, वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच के संबंध का सही निरूपण करता है। वेन डायग्राम बनाना है, किसके बीच में, समाज, दोस्त, दुश्मन। दोस्तों वेन डायग्राम से रिलेटेड आपके पेपर में कभी भी प्रश्न है तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, पहले भी आपको बताया हूं, फिर से बता रहा हूं, जो शब्द दिए रहते हैं, जैसे इसमें समाज दिया है, दोस्त दिया है, दुश्मन दिया है, इन्हीं शब्दों पे दोस्तों आपको विचार करना होता है कि एक दूसरे से कैसे संबंधित है। बस आप दोस्तों इनके बीच रिलेशन निकाल लेंगे तो आप इन टाइप के प्रश्नों को अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए इसमें क्या क्या है दोस्तों, समाज है, दोस्त है, दुश्मन है, और इसको हम प्रदर्शित किससे करते हैं दोस्तों, सर्कल से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ऐसे गोला बना के, ठीक है, आसान भाषा में समझिएगा। तो क्या करेंगे, अब थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, समाज क्या होता है, दोस्त कौन होता है, दुश्मन कौन होता है। तो दोस्तों आपको अगर जो थोड़ा सा दिमाग लगाए तो आपके दिमाग में ये आएगा, समाज के अंतर्गत ही दोस्तों दोस्त और दुश्मन दोनों आते हैं। ठीक है, तो इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा, देखिए आप ये नहीं कह देंगे कि समाज के हो गया, समाज के अंतर्गत दोस्त हो गया, दोस्त के अंतर्गत दुश्मन, नहीं, दोस्त के अंतर्गत दुश्मन नहीं आते हैं, दुश्मन अलग होते हैं, दोस्त दोस्त होता है। ठीक है, तो इसलिए इसका वेन डायग्राम पहले जैसे नहीं बनेगा, पहला गलत हो जाएगा। देखिए इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा, ये एक समाज हो गया दोस्तों, समाज का एक सर्कल हो गया बड़ा सा, समाज के अंतर्गत कुछ दोस्त हैं और कुछ दुश्मन है, ऐसे भी नहीं, समाज के अंतर्गत दोस्त भी होते हैं, दुश्मन भी होते हैं। ठीक है, इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा, ऐसे। ठीक है,
दोस्त अलग होगा, दुश्मन अलग होगा, ठीक है, एक जैसे नहीं होंगे, ठीक है। इसका फिगर कैसे बनेगा, इस टाइप से बनेगा, यानी कि समाज के अंतर्गत दोस्त भी आते हैं, दुश्मन भी आते हैं। तो यानी कि इसका इमेज देखिए इस टाइप से किस ऑप्शन में आपको नजर आ रहा है, तो देखेंगे ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को अच्छे से समझ गए होंगे। ऑप्शन नंबर इसका सी अगर जो आप कहें तो सी भी नहीं होगा, क्योंकि समाज हो गया और समाज में दोस्तों ऐसे कर लेंगे, कुछ दोस्त है कुछ दुश्मन है। तो ये जो दोस्तों बाहर वाला जो आ रहा है तो ये क्या है, समाज से परे है, समाज से परे नहीं होते दोस्त दुश्मन, ठीक है। तो इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी की ही तरह सही होगा, यानी कि एक सर्कल क्या हो गया, समाज का अंतर्गत दोस्त और ये एक सर्कल दुश्मन का, तो इस टाइप से बनेगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी अच्छे से समझ गए होंगे और इस टाइप के भी प्रश्न आपके पेपर में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत बार दोस्तों एग्जाम में पूछा जा चुका है ये भी, और इस टाइप के प्रश्न आए तो कैसे सॉल्व करेंगे। प्रश्न पढ़िएगा, प्रश्न ध्यान से पढ़िए। प्रश्न कह रहा है नीचे दी गई श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात करें। गलत संख्या बताना है, ये एक सीरीज दोस्तों दी गई है, इस सीरीज में एक संख्या गलत है, उसी को आपको पहचान करना है कौन सी गलत है। दोस्तों गलत संख्या से भी रिलेटेड प्रश्न है पेपर में, तो क्या करेंगे, सीरीज के संख्याओं को ध्यान से देखेंगे, सीरीज कैसे आगे चल रही है। कहने का मतलब है ये सीरीज में कौन कौन सी संख्या है, 380 है, 188 है, 92 है, 48 है, 20 है, 8 है, 2 है। अब इसमें आप कैसे पता लगाएंगे कि कौन सी संख्या गलत है, तो पहले क्या करेंगे, पहले देखेंगे सीरीज कैसे आगे बढ़ रही है। कहने का मतलब है 380 के बाद दोस्तों क्या हुआ है, 188, फिर क्या है 92 हुआ, फिर 48, फिर 20, फिर 8, फिर 2, यानी क्रमशः संख्याएं घट रही हैं। जब घट रही हैं तो अब हम देखेंगे कितना घट रहा है, तो दोस्तों 380 का आधा करेंगे तो क्या होगा, 190 होगा। और यहां दिया क्या है दोस्तों, 188, यानी कि कितना कम है, आधा के बाद 2 कम है। 188 का दोस्तों हम आधा करेंगे तो ये क्या होगा दोस्तों, 94 होगा, और यहाँ पे क्या है दोस्तों, 92 है, यानी कितना कम है, 2। ये कर क्या रहा है, अब आपको समझ में आ रहा होगा, आधा करके 2 माइनस कर दे रहा है। फिर दोस्तों 92 का हम आधा करेंगे, 92 का आधा करेंगे दोस्तों क्या होगा, 46। 92 का आधा दोस्तों क्या होगा, 46 होगा, और 46 में से दोस्तों 2 माइनस करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, 44 होगा, ठीक है, क्या होगा, 44। लेकिन यहाँ दिया क्या हुआ दोस्तों, 48 दिया है, यहाँ होना क्या चाहिए दोस्तों, 44। अगर जो 44 होता तब 44 का दोस्तों आधा करेंगे तो क्या होगा, 22। 22 में से दोस्तों 2 माइनस करेंगे तो क्या होना चाहिए, 20, और देखिए आगे 20 दिया हुआ है। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। 20 का दोस्तों आधा करेंगे 10, 10 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या होगा, 8, देखिए 8 दिया हुआ है। 8 का दोस्तों आधा करेंगे 4, 4 में से 2 माइनस करेंगे 2, 2 भी यहाँ दिया हुआ है। तो गलत संख्या इसमें कौन है, 48 गलत है। 48 गलत क्यों है दोस्तों, 92 का आधा होता है 46, और 46 में से 2 माइनस करेंगे होगा 44, यहाँ पे क्या होना चाहिए, 44, और आपको गलत ही संख्या बताना है। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, यानी 48 इसका सही आंसर हो जाएगा, 48 की जगह होना चाहिए था 46। तो आपको ये प्रश्न भी अच्छे से समझ में आ गया होगा, ये कर क्या रहा है, क्या किया है दोस्तों, आधा किया है 2 माइनस कर दिया है, फिर आधा किया 2 माइनस कर दिया, फिर आधा किया 2 माइनस करेंगे तो यहाँ होगा 44, फिर आधा करेंगे 2 माइनस करेंगे 20, आधा करेंगे 2 माइनस करेंगे यहाँ पे 8, फिर आधा करेंगे 2 माइनस करेंगे 2, ठीक है। तो यानी 44 ये इसका सही आंसर होना चाहिए, 48 गलत है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप इस प्रश्न को भी अच्छे से समझ गए होंगे और इस टाइप के भी प्रश्न आपके पेपर में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और अगला क्वेश्चन देखने से पहले जो नए स्टूडेंट है दोस्तों उनके लिए बता दूं, दोस्तों ये पंचम पब्लिशर की ई बुक है, आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप दोस्तों रेलवे की एग्जाम देंगे, एसएससी की एग्जाम देंगे, या अदर आप दोस्तों कोई सा भी गवर्नमेंट एग्जाम देंगे। दोस्तों इस ई बुक में उन प्रश्नों को शामिल किया गया है जो प्रश्न आपके बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जो प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में रिपीट होते हैं। दोस्तों इस ई बुक में आपको 10 प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा प्लस 10 वन लाइनर सेट मिल जाएगा। वन लाइनर सेट कहने का मतलब है दोस्तों एक लाइन में क्वेश्चन, दूसरे लाइन में आंसर। इससे क्या होगा दोस्तों, आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को प्रिपेयर कर लेंगे। दोस्तों आपके एग्जाम में 1 से 2 दिन का भी टाइम रहेगा तो इस ई बुक को लेकर आप जरूर पढ़ लीजिएगा, आपके एग्जाम में काफी हेल्प मिलेगी, क्योंकि दोस्तों इसमें साइंस, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट प्रश्नों को शामिल किया गया है, जो प्रश्न आपके बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। दोस्तों इस ई बुक की कीमत पंचम पब्लिशर ने ₹150 रखी थी, लेकिन मेरे कहने पर दोस्तों ई बुक आपको मात्र ₹25 मिल जाएगी। इस ई बुक को दोस्तों आप ले कहां सकते हैं, तो इसका लिंक दोस्तों मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं, उस लिंक के थ्रू इस ई बुक को आप डाउनलोड
डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों ये ईबुक है पीडीएफ नोट्स की तरह, आपके मोबाइल में ही डाउनलोड हो जाएगी, आप मोबाइल से ही पढ़ सकेंगे। ये मार्केट में ऑफलाइन आपको नहीं मिलेगी। अगर जो दोस्तों आपको डाउनलोडिंग या पेमेंट से किसी प्रकार की समस्या होती है तो दोस्तों पंचम पब्लिशर का कस्टमर केयर नंबर दिया गया, इस नंबर पर आप कॉल करके बात भी कर सकते हैं। इस ईबुक को दोस्तों मैं खुद देखा हूँ, इसमें जो प्रश्न दिए गए बहुत ही इंपॉर्टेंट दिए गए हैं, जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए दोस्तों एग्जाम से पहले पहले इस ईबुक को एक बार लेके आप जरूर पढ़ लीजिएगा। तो आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिएगा दोस्तों चौथा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन पढ़िएगा। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, दिए गए विकल्पों में से लुप्त पद ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, देखिएगा। और ऐसे प्रश्न आए तो कैसे सॉल्व किया जाता है सेकंडों में, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझिएगा। ये प्रश्न क्या कह रहा है, लुप्त पद यानी मिसिंग नंबर यहाँ पे है, प्रश्नवाचक चिन्ह कहाँ पे, यहाँ पे, और यहाँ पे आप कैसे भरेंगे, क्या करेंगे। देखिए ये टू स्टेप में सॉल्व होता है, दो स्टेप में सॉल्व होता है। कहने का मतलब इसमें दोस्तों अल्फाबेटिकल भी है और नंबर भी है, यानी कि ए है, टू है, फिर सी है, फोर है, यानी कहने का मतलब ए बी सी डी भी है और अंक भी हैं, दो चार छः आठ, ये सब सारी संख्याएं भी है, ठीक है। तो इसे कैसे सॉल्व किया जाता है मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें दोस्तों पहले हम एक को सॉल्व करेंगे, यानी अल्फाबेटिकल लेके चलिए या आप नंबर लेके चलिए, तो चलिए हम अल्फाबेटिकल लेके चलते हैं। देखिए ए है, उसके बाद दोस्तों क्या है, बी का गैप है, सी है, फिर दोस्तों क्या है, डी है, डी का गैप है, ई है, समझ रहे हैं ना। उसके बाद दोस्तों क्या है, एफ का गैप है, जी है, उसके बाद दोस्तों एच का गैप है, आई है, फिर क्या होगा दोस्तों, जे का गैप रहेगा, फिर होगा क्या दोस्तों, के, फिर दोस्तों क्या है, L का गैप है, M, फिर N का गैप है, N का गैप, फिर O, ठीक है, P का गैप है, उसके बाद क्या होगा दोस्तों, Q, ये चीज दिया हुआ है। तो यहाँ पे तो क्लियर हो गया, प्रश्नवाचक चिन्ह पे अल्फाबेटिकल में K होगा। देखिए K किस ऑप्शन में दिया है, तो देखेंगे दोस्तों K दो ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर B और C दोनों में दिया है के, तो इसलिए अभी क्लियर नहीं है कि इसका कौन सा आंसर सही होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। यहां पे एक चीज क्लियर हो गया है, अल्फाबेटिकल में होगा तो क्या होगा, के होगा। देखिएगा एक बार और समझाता हूं, क्या होगा दोस्तों यहां पे, यहाँ पे तो K होगा, ये क्लियर हो गया। अब बताइए अब क्या करेंगे, अब हम नंबर को सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए दो है, दो के बाद क्या हो गया दोस्तों, चार, चार के बाद छः, ठीक है, यानी दो दो बढ़ा है। चलिए यहाँ पे तीन है, तीन के बाद पाँच है, यानी दो बढ़ा, फिर क्या होगा दोस्तों, सेवन होगा। अब देखिए K सेवन किसी ऑप्शन में आपको नजर आ रहा है, नहीं आ रहा है, नीचे पाँच, चार नौ, फिर उसके बाद दोस्तों क्या है, चौदह, यानी पाँच बढ़ा, यहाँ पे भी कोई सीक्वेंस नहीं बन पा रहा है, ठीक है, यानी कि K सेवन भी आपको कहीं नजर नहीं आ रहा है, K एट है और K फिफ्टीन है, तो इसलिए यहाँ पे K सेवन नहीं होगा। यहाँ पे तो K होगा, ये चीज़ तो क्लियर है कि यहाँ पे क्या होगा, K होगा। अब क्या करेंगे दोस्तों, नंबर को हम ऐसे नहीं सॉल्व करेंगे, अब नंबर को देखिएगा कैसे, यहाँ पे दोस्तों क्या है, टू है, यहाँ पे थ्री है, इन दोनों को दोस्तों ऐड करूँ तो क्या होगा, दोनों को ऐड करिए, जोड़िए, दो और तीन जोड़ेंगे तो क्या होगा, पाँच, और पाँच देखिए नीचे दिया हुआ है, देखिएगा M5 है ना, यहाँ पे पाँच दिया हुआ है। उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पे क्या है, फोर है, यहाँ पे फाइव है, दोनों को ऐड करेंगे, चार और पाँच को ऐड करेंगे क्या होगा, नौ, नौ नीचे दिया हुआ है। इसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पे छः है और यहाँ पे आपका चौदह हो रहा है, तो यहाँ पे हम क्या जोड़ दें कि चौदह हो जाए, चौदह में से आप छः घटा सकते हैं, आठ, यानी कि के एट, क्योंकि दोस्तों आठ और छः को हम ऐड करेंगे तो क्या होगा, चौदह होगा। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, के एट होगा, और के एट किस ऑप्शन में दिया है, तो देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी अच्छे से समझ गए होंगे, और इस टाइप के भी प्रश्न आपके पेपर में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। देखिएगा ये किस टाइप से दोस्तों प्रश्न सॉल्व हुआ, आपका ए बी सी डी जो अल्फाबेट कर रहा हुआ ऐसे चला है, और जो नंबर दोस्तों रहा हुआ ऐसे चला है, इसीलिए कह रहे थे ये प्रश्न क्या है दोस्तों, टू स्टेप में सॉल्व होगा, क्योंकि इसमें अल्फाबेटिकल भी है और नंबर भी है, ठीक है। तो ये टू स्टेप का क्वेश्चन है, तो इस टाइप के प्रश्न आए दोस्तों तो आप ऐसे सॉल्व कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, पांचवा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं तो इसके लिए बिना पेन उठाए सॉल्व किया जाता है इसको, ठीक है, बिना पेन उठाए कुछ भी नहीं किया जाता है। देखिएगा आसान सा क्वेश्चन है, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझिएगा। कह रहा है यदि 15 सितंबर 2008 को शुक्रवार था तो 15 सितंबर 2009 को कौन सा दिन होगा, ये चीज कह रहा है। तो इसके लिए दोस्तों क्या किया जाता है मैं आपको पहले बता रहा हूँ। देखिए पहले आप दोस्तों देखेंगे ये 2008 लीप ईयर है या साधारण वर्ष। लीप ईयर क्या होता है दोस्तों, वो वर्ष होते हैं जिसमें फरवरी माह होता है वो 29 दिन का होता है, और किसमें होता है दोस्तों फरवरी माह 29 दिन का, जो आपका ईयर दिया रहता है। जैसे ये 2008 है, क्या क्या है दोस्तों 2008 है, ये 2008 चार से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा कि नहीं, पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। जब पूरा पूरा विभाजित हो जाता है तो ये क्या होता है दोस्तों, लीप ईयर होता है। इसमें फरवरी माह क्या होता है दोस्तों,
29 दिन का होता है, ठीक है, ये चीज आप समझ गए, ठीक है। अब देखिए, लेकिन ये पूछ कहाँ से रहा है, थोड़ा सा ध्यान आपको ये भी देना है, ये जनवरी से नहीं पूछ रहा है ना फरवरी से पूछ रहा है, ठीक है, ये पूछ रहा है सितंबर से, यानी फरवरी को ये पार कर चुका है, ठीक है। देखिएगा, ध्यान देने वाली जो चीज है, ये पूछ रहा है 15 सितंबर 2008 को शुक्रवार था, तो 15 सितंबर 2009 को कौन सा दिन होगा, ये 2009 कौन सा दिन, ये कौन सा ईयर है, ये लीप ईयर है या साधारण वर्ष, ये साधारण वर्ष है, ठीक है, ये लीप ईयर नहीं है, क्योंकि 2008 के बाद 4 साल बाद ही लीप ईयर आएगा, यानी 12 होगा, 16 होगा, 20 होगा, ऐसे, ठीक है, ये चीज लीप ईयर होते हैं। तो ये क्या है दोस्तों, सिंपल ईयर है, साधारण वर्ष है। तब क्या करेंगे, यानी कि 15 सितंबर 2008 से 15 सितंबर 2009 तक कितने दिन होंगे, ये आपको निकालना है। तो कितने दिन होंगे, क्योंकि लीप ईयर तो आपका क्रॉस कर चुका है सितंबर, अगर जो जनवरी से बोलता है, 1 जनवरी से 1 फरवरी यहां पे, या 1 जनवरी 2009 तक करता, ऐसे करता तो इसमें क्या हो जाते दोस्तों, 366 दिन हो जाते। लेकिन ये दोस्तों जब लीप ईयर नहीं है, यहाँ से लीप ईयर को ये क्रॉस कर चुका है, तब इसमें कितना दिन होगा दोस्तों, 365 दिन होगा। कितना दिन होगा, 365 दिन। अब क्या करेंगे, 365 दिन होगा, आपको क्लियर हो गया कितना दिन है, 365 दिन। अब 365 को दोस्तों आप 7 से भाग करेंगे, एक एक सप्ताह से भाग कर लीजिए, यानी कहने का मतलब है, समझिएगा, 7 से भाग क्यों करेंगे, क्योंकि सप्ताह में 7 दिन होते हैं, प्रत्येक 7 दिन के बाद वही दिन रिपीट होता है, ठीक है, तो इसलिए 7 से भाग करेंगे, तो 7 पच्चे क्या होगा, 7 पच्चे 35 हो जाएगा, फिर यहाँ क्या बचा, हासिल यहाँ पे क्या बचेगा, 1 15, फिर 7 दुना का 14, ठीक है, 7 दुना का 14 हो जाएगा, शेष में क्या बचेगा दोस्तों, 1 बचेगा, 15 में से 14 घटाएंगे, यानी 52 सप्ताह + 1 दिन हो रहा है, 52 सप्ताह + 1 दिन, जो दोस्तों प्लस में 1 दिन होता है ना, ये प्लस में 1 दिन, बस उसी को हम ऐड कर लेंगे, यानी कि 15 सितंबर 2008 को शुक्रवार था, तो इसमें दोस्तों 1 दिन ऐड कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा शुक्रवार प्लस 1 दिन, यानी कि शनिवार। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये तो रहा दोस्तों आपको समझाने के लिए इतना लिखा हूं, लेकिन आप समझ लीजिएगा, अगर दोस्तों सिर्फ 365 दिन हो तो तुरंत आप क्या करेंगे, 1 दिन ऐड कर लेंगे, अगर जो 366 दिन होगा तो क्या करेंगे दोस्तों, 2 दिन ऐड कर लेंगे, बिना पेन उठाए इसको सॉल्व किया जाता है। यहाँ पे बस आपको देखना होता है कि ये कब से पूछ रहा है, ये तो फरवरी से पहले का नहीं है, फरवरी के बाद से है, यानी फरवरी माह के बाद से है, सितंबर कब आता है, लास्ट में आता है, यानी फरवरी के बाद ही आता है ना, फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर ऐसे आता है, ठीक है, तो ये क्या है, सितंबर बाद का है, तो इसलिए दोस्तों इसमें हम ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो 15 सितंबर है इसमें ऐड होता, लेकिन इसमें क्या है दोस्तों, 2009 लीप ईयर नहीं है, यानी 28 दिन का ही होगा, यानी कि 15 सितंबर 2008 से लेकर 15 सितंबर 2009 तक कुल कितने दिन हो गए दोस्तों, 365 दिन। 365 दिन का मतलब होता है दोस्तों 52 सप्ताह + 1 दिन, 52 सप्ताह का मतलब वही दिन हो जाएगा, 1 दिन ऐड कर लेंगे, शुक्रवार में 1 दिन दोस्तों ऐड कर लेंगे, हो जाएगा शनिवार, और शनिवार ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के प्रश्न आपके पेपर में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे दोस्तों। इसमें और भी क्वेश्चन है, उसको मैं नेक्स्ट पार्ट में करा दूंगा। अगर दोस्तों आपको किसी विशेष चैप्टर में प्रॉब्लम है तो चैप्टर भी नीचे आप कमेंट कर दीजिएगा उसका नाम, वो भी चैप्टर मैं बहुत जल्द कंप्लीट करा दूंगा। अगर दोस्तों आप मैथ में वीक है, मैथ बेसिक से 0 लेवल से चैप्टर वाइज दोस्तों मैथ पढ़ना चाहते हैं, तो दोस्तों आपके लिए एक चैनल बनाया हूं, जिसका लिंक दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं। दोस्तों आप उस चैनल पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दोस्तों ऑन कर लीजिए, जहां पर दोस्तों मैं मैथ बेसिक से पढ़ा रहा हूं, 0 लेवल से पढ़ा रहा हूं, और चैप्टर वाइज पढ़ा रहा हूं। कुछ दिनों में दोस्तों मैथ को जब सारी चैप्टर समाप्त हो जाएंगे दोस्तों, आप भी मैथ के प्रश्नों को सेकंडों में सॉल्व करने लगेंगे, वो भी बिना पेन उठाए। तो मैथ में दोस्तों आपको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होती है दोस्तों, उस चैनल पे जरूर जाए, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं। और ये सब दोस्तों आपको प्रश्न अच्छे लगे हैं, समझ में आए हैं, तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, लाइक वाला सिंबल दोस्तों नीचे इस टाइप से बना होगा यहां पे प्रेस कर दीजिएगा, और शेयर वाला सिंबल दोस्तों नीचे इस टाइप से बना होगा यहां पे प्रेस करके फेसबुक व्हाट्सएप टेलीग्राम जितने भी दोस्तों आपके पास स्टडी ग्रुप हो उस ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा। और जो दोस्त इस चैनल पर नए हैं या जिनको दोस्तों हमारी वीडियोज की डेली नोटिफिकेशन नहीं मिलती, नीचे दोस्तों रेड कलर के इस टाइप से सब्सक्राइब लिखा हो दोस्तों, यहां पे क्लिक करके चैनल के साथ जुड़ जाइए, और बगल में दोस्तों बेल आइकन का सिंबल बनेगा दोस्तों, ये नोटिफिकेशन बेल आइकन होता है, इसे प्रेस करके ऑन कर लेंगे तो ये इस टाइप से दिखने लगेगा। जब ये दोस्तों इस टाइप से दिखेगा तो आपको डेली सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन यानी आप तक मैसेज जाएगा। तो दोस्तों सब्सक्राइब और बेल आइकन पे प्रेस जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।